हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2000 वाट के बेस के बारे में। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, जैसे कि इसका प्राइस रेट आपको क्या पड़ेगा, इसका कैबिनेट कैसा है, इसमें कौन सा स्पीकर लगा है और क्या है, और इसमें कौन सा एम्पलीफायर इसके लिए परफेक्ट मैचिंग होगा 2000 वाट के दो बेस के लिए, चार बेस के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा 2000 वाट का बेस है, ऊपर एक है और नीचे एक है, यानी ये 2000 वाट का दो बेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर लगा हुआ है वो पी ऑडियो का स्पीकर लगा हुआ है, जो कि हज़ार हज़ार वाट का दो स्पीकर इसमें लगा हुआ है, और ये डुअल फ्रंट बेस है और JBL स्टाइल का ये मतलब कैबिनेट है। कैबिनेट बहुत ही अच्छा कैबिनेट है इसमें, और यहाँ पर आपको दो बेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर 2000 वाट का दो बेस है, हज़ार हज़ार वाट का दो स्पीकर्स लगा हुआ है, जो कि पी ऑडियो का है, और बहुत ही काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इसके बारे में, ये लाइव साउंड के लिए ज़्यादा बेस्ट है रदर देन डीजे। तो इसको आप डीजे में भी यूज़ कर सकते हैं और लाइव साउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइव साउंड के लिए ये परफेक्ट माना जाता है, मतलब ये परफेक्ट साउंड क्वालिटी आपको देगा, ठीक है। और इसमें वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, लॉन्ग थ्रो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ से साइड से दिखा रहा हूँ, ये बेस है और ये फ्रंट लुक है इसका बेस का। तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है, ये पर पीस का जो प्राइस आपको पड़ेगा 45,000 से लेके आप 43 से 45 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा, 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 40 से 45 हज़ार के अंदर ये आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं, जैसे कि कैबिनेट बना के आप स्पीकर्स खरीद के स्पीकर उसमें डाल के, या आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको चलाने के लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए, आपको दो बेस चलाने के लिए आपको फोरम्स में रनिंग करना पड़ेगा। अगर आप एक बेस एक चैनल पर डालते हैं तो फोरम्स होता है, तो आपको यहाँ पर जो ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो फोरम्स पे 2000 वाट तक का आउटपुट दे रहा होगा। तो दोस्तों, दो एम्पलीफायर आप सॉरी दो बेस आप एक एम्पलीफायर पे चला सकते हैं, हालांकि ये डुअल बेस है। और इसके लिए हम लोग जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो इसके लिए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, नेक्स्ट प्रो का CX7000 का एम्पलीफायर है, और बहुत ही काफ़ी अच्छा बढ़िया एम्पलीफायर है। इसका एम्पलीफायर का प्राइस आपको 50,000 से लेकर 52,000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो इस एम्पलीफायर मिलेंगे, आप चाहें तो नेक्स्ट प्रो 7000 लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सनोन का CA20 भी लगा सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है। और आप चाहें तो MT1601 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे जो भी मतलब एम्पलीफायर यूज़ करना चाहेंगे आप वहीं पर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसका जो प्राइस है 50 से लेकर 52,000, और बेस का जो प्राइस है आपको पड़ेगा पर पीस 40 से 45 हज़ार रुपये आपको पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक से और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नया ऐसा लेटेस्ट डीजे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के जो वीडियो में हमने बात की 2000 वाट का दो बेस, जो कि डुअल फ्रंट बेस और पीओडी का स्पीकर्स, और इसमें जो एम्पलीफायर लगेगा उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।